यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में नई सरकार चुनने के लिए 117 विधानसभा की सीटों पर मतदान जारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को नशे से मुक्त करने के लिए लोगों से जहां वोट करने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पंजाब की पंजाबियत बरकरार रखने के लिए लोगों से वोट करने को कहा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार सुबह मतदान शुरू हो गया। राज्य में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब में नई सरकार चुनने के लिए 93 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। वहीं इसी बीच कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन को शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने मालविका सूद के समर्थन में एक वीडियो भी जारी किया। मालविका सूद अभिनेता सोनू सूद की बहन है और मोगा शहर से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। कपिल शर्मा ने अपने वीडियो में मालविका सूद को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी है। सोनू भाई सत श्री अकाल। तुसी जिहड़ी मैनू जिम की लत लाई है, देखो मैं अज भी जिम च बैठा हां। थैंक यू सो मच। और मेरी वड्डी भैन मालविका सूद जिहड़ी तुसी नवीं शुरुआत करन जा रहे हो, तुहानूं ढेर सारियां बेस्ट विशेज। और तुसी दोवें भैन भरा चंगे चंगे काम करदे रहो, लोकां दी सेवा करदे रहो। साडियां दुआवां साडियां बेस्ट विशेज हमेशा तुहाडे नाल ने, बाबा मेहर करेगा। सो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेज। थैंक यू सो मच। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन के अलावा बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ ही किसानों की संयुक्त समाज मोर्चा के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। राज्य के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख चेहरों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान, पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल भी शामिल है। पंजाब चुनाव में वोटिंग के बीच तमाम नेता लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील करते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के लोगों को निडर होकर वोट करने की अपील की, तो वही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रगतिशील बदलाव के लिए वोट की अपील की। वही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से अच्छे स्कूल, अच्छा रोजगार और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए वोट डालने की अपील की। आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत जरूरी दिन है। ऐसा भविष्य जिसमें आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छा रोजगार मिले, वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपके परिवार का मुफ्त इलाज हो, नशा खत्म हो, ऐसा भविष्य जिसमें पंजाब की 3 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस करे, ऐसा भविष्य जिसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो, ये सब तभी होगा जब आप वोट डालने जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में पंजाब के लिए और पंजाबियत के सम्मान के लिए भारी संख्या में मतदान की अपील की, तो वही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पंजाब के लोगों से भगत सिंह के सपनों का पंजाब बनाने के लिए वोट करने की अपील करते नजर आए। बहुकोणीय हो चुके पंजाब चुनाव में राज्य की जनता किस पार्टी की सरकार चाहती है, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। पंजाब चुनाव और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।